यहाँ का, तो आज हम बनाने वाले प्रॉन्स कोकोनट ग्रेवी। तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, प्रॉन्स ग्रेवी बनाने से पहले हमें प्रॉन्स को फ्राई करना है। तो मैंने यहाँ पे प्रॉन्स लिया है, 250 ग्राम प्रॉन्स है दोस्तों, मीडियम साइज के। आप बड़ा छोटा ले सकते हो, जैसे मार्केट में अवेलेबल है, या मैंने मीडियम साइज के लिए है, और आप कम ज्यादा भी कर सकते हो। और जब भी मैंने मार्केट से लाया तब मैंने हल्दी नमक लगा कर रखा था, आप भी लगा कर रख सकते हो इस तरह से। तो फ्राई करते हैं इसे। यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल ले लिया दोस्तों, क्योंकि जो तेल हम बचेगा, ये तेल हम ग्रेवी बनाने में यूज करेंगे और टेस्टी बनेगा, इसलिए मैं ज्यादा तेल डाल रही हूँ इसमें फ्राई करने के लिए, क्योंकि ये तेल हम यूज करने वाले हैं वापस। तो 2 to 3 टेबलस्पून आप डाल दीजिए तेल। तो मैंने फ्लेम को फुल रखा है दोस्तों, तेल को गर्म होने देते हैं। तो तेल हमारा गर्म हो गया है, हम प्रॉन्स को डाल देते हैं एक एक करके। फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे और इसे हल्का फ्राई कर लेंगे दोस्तों, ज्यादा नहीं करना है फ्राई। अभी टर्न कर लेते हैं। तो फ्राई हो चुका है दोस्तों, इतना ही करना है, ज्यादा फ्राई नहीं करना है। निकाल लेते हैं प्लेट में। इस तरह से कुछ फ्राई करना है, हल्का प्रॉन्स फ्राई। प्रॉन्स फ्राई किया हुआ तेल जो है दोस्तों, थोड़ा तेल रखेंगे पैन में वेजिटेबल फ्राई करने के लिए, बाकी का हम निकाल लेंगे बाटी में। निकाल के रखा है दोस्तों, उसमें से तेल ले लेंगे थोड़ा सा। ये प्रॉन्स का ही ऑयल है जो हम ले रहे हैं, 1/2 टेबल स्पून ऐसा ले लेंगे इस तरह से। ये यहाँ पर प्रॉन्स का ग्रेवी बनाने के लिए लिया है। 2 अनियन ले लिया है मैंने इस तरह से कटे हुए, मीडियम साइज के अनियन है दोस्तों, और 1 टमाटर डाल देंगे इसमें। फ्लेम हम लो टू मीडियम के बीच रखेंगे। साथ में दोगी मैं काजू दे रही हूँ, मैं कैशू नट्स साथ में दे रही हूँ, 2 चिल्ली आप कम ज्यादा कर सकते हो, ग्रीन चिल्ली दे दिया मैंने। साथ में देंगे हम 1 इंच जिंजर और गार्लिक। ये सबको हल्का टॉस करना है, ज्यादा फ्राई नहीं करना है दोस्तों, इस तरह से। फ्लेम हम लो टू मीडियम के बीच रखना है, ज्यादा फ्राई नहीं करना है, इस तरह से कर लेंगे थोड़ा। और साथ में दे रही हूँ, ऐड कर रही हूँ इसमें कोकोनट, वो जो खोबरा होता है, ड्राई कोकोनट 2 टेबलस्पून जैसा, इस तरह से कट किया है मैंने, ये भी डाल देते इसमें। और साथ में दे रही हूँ मैं धनिया थोड़ा सा। तो हमारे सारे वेजिटेबल्स अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं। इस तरह से कुछ करना है, ज्यादा नहीं करना है। फ्लेम ऑफ कर देंगे और ठंडा करने देंगे इसे प्लेट में। अभी इसे कंप्लीटली ठंडा होने दे दोस्तों, उसके बाद इसका स्मूथ पेस्ट बनाएंगे ग्रेवी बनाने के लिए। तो दोस्तों, जब तक हमारा वेजिटेबल ठंडा हो रहा है, तब तक हम यहाँ पर सूखा मसाले का पेस्ट बना लेते हैं। 1 टीस्पून यहाँ मैं दे रही हूँ रेड चिली पाउडर, आप कम ज़्यादा कर सकते हो दोस्तों। 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून काश्मीरी रेड चिली पाउडर, आप कम ज़्यादा कर सकते हो। नमक स्वाद अनुसार। 1 टीस्पून यहाँ पर मैं मैगी मसाला दे रही हूँ, मैजिक मसाला जो होता है, 1 टीस्पून। थोड़ा पानी देंगे, इसका पेस्ट बनाएंगे। तो इस तरह से कुछ पेस्ट बनाना है आपको, आप देख सकते हो ऐसे, ज्यादा पानी नहीं ऐड करना है दोस्तों, ऐसे कुछ पेस्ट बनाना है आपको। तो वेजिटेबल्स हमारे ठंडे हो गए दोस्तों, एक मिक्सचर जार ले लीजिए इस तरह से, बड़ी वाली, और इस तरह से सारे डाल देंगे। हम
हम पानी नहीं डालेंगे दोस्तों, बिना पानी का हम इसे ग्राइंड करना है क्योंकि इसमें टमाटर है, तो हो जाएगा इसका पेस्ट। अगर नहीं हुआ थोड़ा पानी ऐड कर सकते हो आप। पहले हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं। तो इस तरह से कुछ हुआ है, देख सकते हो आप दोस्तों, इस तरह का हुआ है। अभी हम पानी डालेंगे थोड़ा। टू टेबल स्पून जैसा। तो दोस्तों इस तरह से हुआ है हमारा पेस्ट, ऐसा होना चाहिए। मुझे टोटल 4 टेबल स्पून पानी लगा है इसमें। इस तरह से पेस्ट बनाना है, दरदरा सा इस तरह का बनेगा। ग्रेवी बनाते हैं अभी। यहाँ पर मैंने प्रॉन्स फ्राई किया था, वही मैंने पैन लिया है दोस्तों, और वही मैं ऑयल यूज कर रही हूँ जो मैंने निकाल के रखा था ऑयल, प्रॉन्स फ्राई किया ऑयल। तो मैं ऐड कर लेंगे, इस तरह से गर्म होने देते हैं इसे। तेल हमारा गर्म हो गया है, लो कर देंगे फ्लेम को, और ये जो पेस्ट बनाया हमने वो डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से भूनेंगे मसाले को। अभी इसे लो फ्लेम पे हमें इस तरह से चला लेंगे 1 मिनट के लिए, जब तक मसाले से ऑयल रिलीज ना हो तब तक इस तरह से। तो ऑयल रिलीज हुआ, देख सकते हो आप दोस्तों, ऑयल निकल गया इस तरह से, अच्छी तरह भून गई ये हमारी मसाला जो है, अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, अच्छी खुशबू आ रही है। अभी हम ऐड करेंगे जो हमने पेस्ट बनाया था, उसे हम ऐड कर लेंगे। अभी हम फ्लेम को लो टू मीडियम के बीच रखेंगे और इसे भूनते रहेंगे अच्छी तरह से, जब तक ऑयल रिलीज ना हो इसे। इसको 1-2 मिनट इस तरह से भूनते रहिए दोस्तों, जब तक अच्छी खुशबू ना आए। इस तरह से चलाते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं, वरना नीचे से पकड़ सकता है, जल सकता है। तो इस तरह से चलाते रहेंगे। यहाँ मैं थोड़ा शक्कर ऐड कर रही हूँ, 1/4 टीस्पून जैसा शक्कर, टेस्ट को बैलेंस करने के लिए। तो दोस्तों 2 मिनट हो गए, ज्यादा नहीं करना हमें इसे, क्योंकि पहले से फ्राई किया हुआ था वेजिटेबल्स, तो हम इसे पानी ऐड कर देंगे इसमें। अब मैं 1 कप थोड़ा पानी डाल रही हूँ दोस्तों। पानी आप कम ज्यादा कर सकते हो दोस्तों, अगर आपको ग्रेवी पतली चाहिए तो आप ज्यादा पानी डालिए, अगर ग्रेवी आपको थिक चाहिए तो कम पानी डालिए। मैंने यहाँ पर मीडियम पानी दिया है, 1 कप से थोड़ा कम दिया है पानी। तो इसे बॉइल पे लाते हैं, उसके बाद प्रॉन्स ऐड कर देंगे। तो बॉइल्ड हो रहा है तो प्रॉन्स, फ्राई प्रॉन्स ऐड कर देंगे इसमें। थोड़ा नमक ऐड कर देते हैं इसमें। नमक आप टेस्ट करके डालिए दोस्तों, क्योंकि प्रॉन्स में भी नमक है, और मैंने मसाला जो ड्राई मसाला जो मैंने पेस्ट बनाया था उसमें भी डाला है मैंने नमक, तो उसके अकॉर्डिंग डालिए नमक टेस्ट करके। अभी इसे हम ढक देंगे, और तो इसे ढक देते हैं और लो फ्लेम पे इसे रख देंगे हम, जब तक प्रॉन्स सॉफ्ट ना हो जाए, पकना जाए तब तक, और बीच बीच में चलाते रहेंगे। इसे 10 मिनट तक रखेंगे लो फ्लेम पे इस तरह से। एक बार स्टर डालेंगे, तो मेरा प्रॉन्स सॉफ्ट हो गया है, तो ये पक चुका है, हमारा ग्रेवी तैयार है। तो स्टर कर लेंगे इस तरह से। प्रॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों, कुछ प्रॉन्स जल्दी पक जाते हैं, कुछ प्रॉन्स टाइम लगाते हैं, तो 15 से 20 मिनट भी कभी कभी लग जाता है प्रॉन्स को पकते हुए, या तो जल्दी भी हो जाता है, जैसे ये हुआ है, ये 10 मिनट हो गया है दोस्तों, क्योंकि मीडियम प्रॉन्स था ये। अभी हम डालेंगे कस्तूरी मेथी ऊपर से, साथ में मैं दूंगी बिरयानी मसाला, होममेड बिरयानी मसाला है दोस्तों, इसकी रेसिपी मेरे चैनल में आप देख सकते हो। डाल देंगे 1/4 टीस्पून ऊपर से इस तरह से। आप नॉर्मल गरम मसाला भी यूज कर सकते हो दोस्तों, मैंने यहाँ बिरयानी मसाला यूज किया है, बहुत टेस्टी बनता है, जरूर ट्राई कीजिए आप। अच्छा मिक्स कर लेंगे। तो हमारी प्रॉन्स कोकोनट ग्रेवी तैयार है इस तरह से दोस्तों, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है दोस्तों। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और गर्मा गर्म सर्व करते हैं। तो दोस्तों तैयार है हमारा गर्मा गर्म स्पाइसी कोकोनट प्रॉन्स ग्रेवी।
बहुत टेस्टी होता है दोस्तों, जरूर ट्राई कीजिए। अगर आप प्रॉन्स के दीवाने हैं, प्रॉन्स आपको बहुत पसंद है, तो आप जरूर बनाइए ग्रेवी, आपको बहुत पसंद आएगा। बहुत टेस्टी बनता है ये ग्रेवी, बहुत इजी रेसिपी दोस्तों, जरूर ट्राई कीजिए। और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो जरूर लाइक कीजिए, जरूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे अगले रेसिपी के लिए। थैंक यू।